रतलाम जिला अस्पताल में उज्जैन जिले के एक परिवार के 3 लोगों का गंभीर हालत में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मानसिक रोगी पति ने पत्नी व बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसके बाद पत्नी व बच्चों को गंभीर हालत में रतलाम जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं घटना के बाद मानसिक रूप से विक्षिप्त पति ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मामले की जानकारी मिलते ही खासरोद पुलिस घटनास्थल पहुंची और दरवाजा खोला तो पति मृत अवस्था में मिला। बताया जा रहा है कि मृतक मानसिक रोगी था, जिसे आए दिन पागलपन के दौरे पड़ते थे। फिलहाल खासरोद पुलिस मामले की जांच कर रही है। फोन आए थे तो के झगड़ा हो गया, तो हम यहाँ आए। किस किसके बीच में झगड़ा हुआ? दोनों पति पत्नी के और बच्चों के बीच। तो यहाँ क्या बताया आपको, क्या हुआ? बताया क्या, ये इलाज चल रहा था, हम आए जब जी। तो इन बच्चों से बात हुई या परिजन से बात हुई, क्या बताया? उनके पापा ने उन पर हमला किया और मारपीट की और इनको बाहर निकाल दिया। अच्छा, और उन्होंने क्या किया? क्या मालूम, वो अंदर किमार लगा के अंदर चले गए। अच्छा अच्छा, यहाँ कौन कौन भर्ती है? यहाँ मंजू है जी और आरती, आकृति, आरती। कौन कौन है ये लोग? मतलब एक माँ और दो बच्चे। अच्छा, बच्चे हैं। तो इनको कहाँ चोट लगी है? माथे में लगी, यहाँ पे लगी, हाथ में लगी। ये सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी, सूचनाकर्ता हेमंत धाकड़ जी। इसने सुबह सूचना दी थी कि इसका जो काका है राधेश्याम, पिता नंदराम गुलिया धाकड़, उम्र 35 साल का जी, ये पिछले 2-3 माह से मानसिक रूप से पागल था, इधर वो घूमता फिरता था, ऐसा उसका कहना है जी। और रात्रि में उसने क्या पागल अवस्था में उसकी पत्नी और दो बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा कर वो मारपीट की घटना करी थी। तो उनके परिजन उनको इलाज हेतु वहाँ रतलाम लेके गए जी। और सुबह इन्हें जाकर देखा तो उसने अंदर से दरवाजा लगा रखा था राधेश्याम ने जी। हमें सूचना प्राप्त होने पर हम मौके पर गए, उसका दरवाजा खुलवाया जी। देखा तो राधेश्याम मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, उसके आसपास में सल्पास की गोलियां, सल्पास के जो खाली वो कागज और चूहे मारने की दवा जी, ये पड़ी हुई थी। संभवतः उसने पागल अवस्था में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की। सर, जिनके ऊपर हमला हुआ है उनकी क्या स्थिति है सर? उनको रतलाम रेफर कराया है, वहाँ पे ASI बबलू डागा को जांच के लिए भेजा मैंने जी। उनका आने पर किसी को बताया। JSR टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।